सो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो यार आज संडे और हर बार की तरह फिर से आ गया हूँ संडे क्यू ने लेकर, जिसमें आप सभी लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट हैं, आप लोगों के अच्छे अच्छे क्यू एन ए हैं, क्वेश्चन हैं, और उसका आंसर करने में बहुत मज़ा आने वाला है। और गाइस, इस संडे क्यू ने वीडियो में आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, जानकारी, नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। तो बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आज के संडे क्यू ने वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए इस वीक का, इस संडे क्यू ने वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस संडे का सबसे पहला क्यों ने क्वेश्चन है सिया राम गेमिंग का। इन भाई का कहना है कि भाई, रूटर ऐप में फ्री फायर मैक्स का कूपन कब ऐड होगा? तो देखो यार, ये कभी भी ऐड हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। कूपन जब भी आता है, ये जो है मतलब कभी भी अचानक ऐड हो जाता है। तो कूपन का कोई भी अपडेट नहीं आता है, जब ऐड होना आता है तो वो अचानक से ऐड हो जाता है, फिर यहाँ पर आपको शो होने लगता है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, कभी भी आपके कूपन ऐड हो सकते हैं, क्योंकि कई बार कूपन रिमूव हुआ है और अचानक आ भी गया है, तो आपके फ्री फायर का कूपन कभी भी ऐड हो सकता है, बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब इस संडे का सेकेंड क्यू एन ए क्वेश्चन है सूरज प्ले कुछ ऐसा है भाई का नाम। तो इन भाई का तीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई, रूटर ऐप में न्यू पेमेंट मेथड कब आएगा? तो देखो यार, रूटर ऐप में अपडेट हो चुका है, आपका मोनेटाइजेशन स्टेप भी अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड दिख रहा है, नया पेमेंट मेथड है ये, मतलब आ गया है, अपडेट हो चुका है। यहाँ पर रिडीम वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपके 50 या 100 रुपये से प्लस यहाँ पर ऐड होता है, तब यहाँ पर आप जो है रिडीम कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पर अगर आपका पेमेंट ऐड होता है तो उसके बाद आप किस किस चीज़ में जो है पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हो। इसके रिलेटेड एक वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा। और इसमें हो सकता है आप यूपीआई में भी ले सकते हो, आपके पेटीएम वगैरह में, आपके फ़ोनपे में, आपके बैंक में बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। तो इसके लिए बस आप जो है दो चार दिन वेट करो, उसका भी एक फुल वीडियो लेकर आऊँगा। सेकेंड में कहना है कि पेटीएम KYC कब तक चालू होगी? तो ये फिक्स नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपके पेटीएम पर जो है बैन लगाया है। और थर्ड में ये भाई कह रहा है कि बिना KYC के पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए गाइस, यहाँ पर देख सकते हो रिडीम वाला ऑप्शन रख रखा है। यहाँ पर आपको इस पेटीएम के अलावा और भी बहुत सारा ऑप्शंस मिल सकता है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरी भाई का। इन भाई का कहना है कि ब्रो, YouTube पे सपोर्ट करो। तो हाँ यार, YouTube में 100% सपोर्ट करूँगा। यदि आप YouTube पर काम कर रहे हो, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो बस आप मुझसे कांटेक्ट करो, कमेंट में लिखो कि आपको सपोर्ट चाहिए, फिर मैं आपको सपोर्ट करूँगा। यदि आप सच में मेहनत कर रहे हो, आप रेगुलर कंसिस्टेंसी अपने YouTube चैनल पर काम कर रहे हो, तो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेमिंग फिल्म इंटू कुछ ऐसा है भाई का नाम, कुछ अजीब है। तो इन भाई का कहना है कि भाई, 30 दिन के बाद चैनल मोनेटाइज होगा अभी या नहीं? तो होगा यार, क्यों नहीं होगा, जब आप कंसिस्टेंसी लाइव स्ट्रीम करोगे और अच्छे से लाइव स्ट्रीम करोगे तो 100% होगा, कोई सवाल ही नहीं उठता है मोनेटाइज नहीं होने का, 100% होगा, बस आप कंसिस्टेंसी लाइव स्ट्रीम करो। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन है मिस्टर ध्रुव का। इन भाई का कहना है कि भाई, रूटर ऐप में रील्स की अर्निंग कैसे होगी? मोनेटाइज के बाद 30 के व्यूज़ पे 2000 रुपये मिलेगा कुछ ऐसा है। तो देखो यार, ये जो है आपके जो रील्स की अर्निंग है और आपके वीडियो की अर्निंग है, ये डिपेंड करेगा आपके जो है अर्निंग मॉडल पर, मतलब रूटर ऐप की अर्निंग मॉडल पर। तो इस पर भी एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अभी नया अपडेट हो चुका है, तो इसके रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। उसमें एकदम एक्सप्लेन के साथ समझाऊंगा कि आपके रील्स प्लस वीडियो की अर्निंग कैसे होगी और आपके लाइव स्ट्रीम की अर्निंग कैसे होगी। तो इसके रिलेटेड एक और वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेमर बिजी माई का। इन भाई का कहना है कि भाई, रूटर ऐप में लाइव स्ट्रीम करते समय कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। तो गाइस, ये जो है रूटर एप्लीकेशन का एक छोटा सा ग्लिच है और ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हो सकता है वहाँ पर आपके व्यूज़ का भी दिक्कत हो रहा होगा, आपके जो है लिस्टिंग हाउस एड का भी दिक्कत हो रहा होगा, साथ में आपके ये कमेंट वाला भी दिक्कत हो रहा होगा। तो ये जो है एक छोटा सा ग्लिच है और ये जो है ठीक हो जाएगा दो चार दिन में, तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है STG आर्मी का। इनका कहना है कि भाई, रूटर ऐप अकाउंट मोनेटाइज नहीं हो रहा है, कब होगा? तो कब होगा, जब आप जो है कंसिस्टेंसी लाइव स्ट्रीम करोगे, जब आप जो है लिस्टिंग हाउस को क्राइटेरिया को पूरा करोगे, तब यहाँ पर आपके मोनेटाइज होएगा। और मोनेटाइज आपके जो है 15 दिन के अंदर में हो ही जाना चाहिए, और मैक्सिमम कहूँ तो आपको जो है 30 दिन या 30 दिन से कुछ दिन ज़्यादा लग सकता है। तो 30 दिन में 100% सभी को हो जाता है, तो आपका भी हो जाएगा, बस आप कंसिस्टेंसी लाइव स्ट्रीम करते रहो। मतलब दिन में आप आधा घंटा, एक घंटा, मतलब पर डे आपके अकाउंट पे लाइव स्ट्रीम शो होना चाहिए, उसके बाद आपके मोनेटाइजेशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन्नु रावत का। इनका कहना है कि भाई, रूटर ऐप का अपडेट कब तक आएगा? एंड मेरा मोनेटाइज है बट अर्निंग एक बार भी नहीं हुआ है, और कोई आगे बताया भी नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो देखो, रूटर ऐप में लाइव स्ट्रीम कैसे करना है और अर्निंग कैसे होती है, इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो में बात कर रखा है और बता भी रखा है, बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड भी कर रखा है।
तो रूटर ऐप में अर्निंग करने के लिए सबसे पहला जो मोनेटाइजेशन होता है वो क्राइटेरिया आपने तो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद क्या होता है कि आपको कंसिस्टेंसी लाइव स्ट्रीम करना होता है, मतलब पर डे आपको लाइव स्ट्रीम करना होता है और जो भी आपके व्यूज़ आते हैं और उससे जो भी लिसनिंग हावर्स आपके बनते हैं उससे आपकी अर्निंग होती है। अब के बार आप जब भी लाइव स्ट्रीम करोगे और जितना भी व्यूज़ आएगा और उस व्यूज़ से जितना भी आपके हावर्स लिसनिंग हावर्स बनेगा उसका जो अर्निंग है यहाँ पर आपको पर वीक शो हो जाएगा यहाँ पर रिड्यू वाले ऑप्शन पे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस वीक आपने कितना कमाया और जैसे जैसे आप लाइव स्ट्रीम करते जाओगे सारा अमाउंट आपको यहाँ पर ऐड होता जाएगा। फिर उसके बाद आपको लेने में या रिडीम करने में या फिर अर्निंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट एक मेरा क्वेश्चन है एमके गेमिंग का, इनका भाई का दो क्वेश्चन है। तो पहले मैं ये कह रहा कि भाई मेरा 8.5K फॉलोअर्स है फिर भी अभी तक कोई भी अर्निंग नहीं हुई है, सब ठीक है OBS स्टूडियो मतलब होता है OBS स्टूडियो से लाइव स्ट्रीम करता हूँ रूटर ऐप पर, मतलब आप जो अपने PC से करते हो। और सेकंड में भाई कह रहा है कि और भाई बताओ कि कितने घंटे लाइव स्ट्रीम करूँ प्लीज़। तो देखो यार जैसे आप जो है PC वगैरह से लाइव स्ट्रीम करते हो तो अर्निंग में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे OBS स्टूडियो है उसमें सभी स्ट्रीमर जो है लाइव स्ट्रीम करते हैं, जितने भी आप जो है स्ट्रीमर देखते हैं तो ज़्यादातर जो स्ट्रीमर होता है वो जो OBS स्टूडियो से करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आपको फीचर मिलता है, आपके लाइव स्ट्रीम का फीचर मिलता है, आपके फेस मतलब फेस को कैसे ऐड करना है, आपके मतलब वॉइस का भी बहुत सारा फीचर मिलता है। तो यदि आप PC से करते हो तो आप जो है OBS स्टूडियो का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो जैसे यहाँ पर भाई कह रहे हैं कि मेरा 8.5K फॉलोअर्स है फिर भी अर्निंग नहीं हो रहा है, तो देखो यार अर्निंग किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके व्यूज़ पे। इतने फॉलोअर्स होने के बाद आपके व्यूज़ कितने आते हैं और उस व्यूज़ से कितना लिसनिंग हावर्स बनता है वो आप पहले देखो, उसके बाद आपको अर्निंग लेने में या करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर रही बात कि कितने घंटे लाइव स्ट्रीम करना चाहिए, तो यदि आप PC से लाइव स्ट्रीम करते हो तो आप मिनिमम जो है 2 से 2.5 घंटे लाइव स्ट्रीम करना, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब गाइस इस संडे का लास्ट और आखिरी क्यूएनए क्वेश्चन है क्रेजी इडिज का। इन भाई का 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन ये कर रहे हैं। तो इनका पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहे हैं कि भाई आप कहाँ से हो, तो भाई मैं जो है छत्तीसगढ़ से हूँ, मतलब आप रायपुर राजधानी है, छत्तीसगढ़ स्टेट है, वहाँ से हूँ। और मेरा ज़िला की बात करें तो शक्ति ज़िला, जहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन वगैरह होता है, मतलब अभी अभी बना है, तो शक्ति ज़िले से हूँ। सेकंड में भाई कह रहा है कि आप क्या करते हो सोशल मीडिया के अलावा। तो गाइस सोशल मीडिया के अलावा अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो भी है सारा सोशल मीडिया पे डिपेंड हूँ, मतलब कह सकते हैं कि 12 घंटा मैं सोशल मीडिया पे ही अभी डिपेंड हूँ और इसके अलावा अभी कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। थर्ड में भाई का कहना है कि आपका एज क्या है। तो अभी भी मैं 25 ईयर्स का हुआ, मतलब एज मेरा जो है 25 है। तो आप लोगों का एज कितना है आप कमेंट करके बताना। तो बस आज के संडे में हमारे पास इतना ही Q&A क्वेश्चन आया था और आज की संडे की वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और उम्मीद करूँगा गाइस कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जानकारी नॉलेज मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन घंटी को और प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।